अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मोहम्मद शारा वल्ला शारी और आप देख रहे हो लोक टीवी। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मैंने यूट्यूब लोक टीवी पर वीडियो कम कर दी हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सैलाब की वजह। सोशल मीडिया की एक तहरीरी रिपोर्ट के मुताबिक रमक से लेकर कश्मीर तक 450 किलोमीटर लंबाई की पट्टी, इंडस हाईवे से पहाड़ तक 50 किलोमीटर चौड़ाई तक तमाम गांव डूब गए, जिसमें डेरा गाजी खान और तहसील तौसा शरीफ के बहुत से इलाके भी शामिल हैं। अरबों का नुकसान, सैकड़ों लोग शहीद हो गए। तारीख का सबसे बड़ा कोह सुलेमान का सैलाब, जिसने इतनी तबाही फैलाई। 2022 का साल खसूसी देहातों में रहने वाले और मवेशी पाल लोगों के लिए आफत का साल है। जानवरों में मूजी वायरस बीमारी आई और जायजे के मुताबिक अरबों की मालियत के जानवर हलाक हो गए और सैलाब की जो तबाही है इसमें जानी और माली नुकसान नाकाबिल बयान और नाकाबिल तफसील हैं, जिसका हम सबको अफसोस है और पूरी कौम अफसोसा है। इस सैलाब में बच्चे, औरतें, मर्द, जवान, बूढ़े बेघर हो गए और बेसरोसमानी का वक्त गुजर रहा है। आप सोचें, हम पक्के कमरे और महफूज मुकाम पर भी बारिश में कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं, और जो हद निकाह नीचे पानी हो, बेघर हो और ऊपर बारिश हो, उन पर क्या गुजरती होगी। हम सबको इन मुसीबत ज़्यादा लोगों का ज़रूर साथ देना चाहिए। आज मुर्खा 27/8/2022 से मौसम की पेशीन गोई के मुताबिक डेरा गाजी खान और इसके आसपास के इलाकाजात में बारिश का सिलसिला आज से कई दिनों तक ख़त्म हो गया है। दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू रहमत व करम फरमाए, हमको हर मुसीबत ज़मीनी आसमानी आफत से महफूज फरमाए और मालिक पाक परवरदिगार हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए और हमें हर आजमाइश से महफूज रखे। अल्लाह रब्बल इज़्ज़त हमको अपने हिफ्ज व अमान में रखे और सब का हामी व नासिर हो, आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहें, शाद रहें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।